हेलो दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ गया। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पर ऑल आउट हो गई। 241 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की हार से करोड़ों फैंस के दिल टूट गए। फैंस काफी मायूस नजर आए, कुछ तो अपनी आंखों से आंसू तक रोक नहीं सके। वहीं रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के खिलाड़ी भी इमोशनल नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके टीम इंडिया को सांत्वना दी है, ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बहुत ही अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गौरव दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आईसीसी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही प्राइज मनी की घोषणा भी कर दी थी। टूर्नामेंट में प्राइज मनी का बजट 83.29 करोड़ रुपए यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया था और इसमें से विजेता बनने वाली इस टीम को 33.31 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं फाइनल में हारने वाली टीम को 16.65 करोड़ रुपए मिलते हैं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिलक्यारा पहुंचे नितिन गडकरी, कहा कि ये आपदा के साथ लड़ाई है, सब मिलकर जीतेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। लगातार खबरें चल रही है, आपको मालूम ही होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल धंसने से यानी सुरंग धंसने से 41 मजदूर 8 दिनों से फंसे हुए हैं। सिलक्यारा की ओर से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से बंद पड़ी ड्रिलिंग रविवार शाम 4 बजे यानी 50 घंटे बाद फिर से शुरू हो गई। वहीं अब ड्रिलिंग में आ रही रुकावट का पता लगाने के लिए रोबोट की भी मदद ली जाएगी। टनल के दोनों ओर से ड्रिलिंग शुरू हो गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन आज पहुंच जाएगी। सिलक्यारा टनल से खाना बेचने के लिए छोटा पाइप भी ड्रिल किया जा रहा है। चलिए अपडेट खबर, डूबते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य। सुबह उगते सूर्य की उपासना के साथ ही संपन्न होगा ये महापर्व। लोक आस्था का महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का रविवार को तीसरा और विशेष दिन रहा। छठ महापर्व करने वाले व्रतियों ने छठ घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और इस दौरान अलग अलग छठ घाटों पर आस्था का श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार यानी अब आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना की जाएगी और इसी के साथ ही 4 दिनों के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। $4 ट्रिलियन के पार निकली भारत की GDP 34 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद ही करीब है, यानी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ये गुड न्यूज आई है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकार $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया और इसके साथ ही भारत अब दुनिया की 34 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफी करीब पहुंच गया। GDP लाइव के आंकड़ों के अनुसार भारत ने यह मुकाम 18 नवंबर की रात को हासिल किया। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा 78 शहरों से होकर गुजरेगी। लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी जम्मू कश्मीर में 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा की शुरुआत राजौरी जिले के आदिवासी इलाकों से हुई और बाकी जिलों में 20 नवंबर से यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा का मकसद 2047 तक एक विकसित भारत के लिए कमजोर आबादी तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है। भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए भेजा 32 टन जरूरी सामान, मिस्र के रास्ते मदद पहुंचेगी। इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने फिलिस्तीनियों की मानवीय मदद के लिए 32 टन जरूरी सामान C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए मिस्र भेजा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सोमवार को 2+2 वार्ता होगी और इसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। हल्के फाइटर प्लेन के इंजन भारत में बनेंगे। LCA Mark II और एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट में लगेंगे। हेल और जी मिलकर तैयार करेंगे। LG ने केजरीवाल सरकार को झटका दिया। मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप वाली रिपोर्ट खारिज हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बामनोली लैंड अधिग्रहण मामले में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में आपको मालूम ही होगा, अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिश मरलेना ने अपनी 600 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट LG को भेजी थी और इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव पर जमीन अधिग्रहण के बदले भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया था, लेकिन अब LG ने इस रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण थोड़ा कम हुआ, AQI 290 पहुंचा, यानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदूषण कम होता देख 14 दिन बाद दिल्ली में ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को हटाया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे 5 नवंबर को लागू किया गया था, यानी अब शहरों में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर रोक हट गई है। सोमवार से ही दिल्ली में स्कूलों को भी फिर से खोला जा रहा है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर बैन अभी भी लागू रहेगा। दिल्ली की नाइट लाइफ में शामिल होंगी 83 और
और दुकानें सीएम अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे खोलने को अनुमति दी है। दिल्ली में नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 83 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत दी है। ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान शॉप, कमर्शियल, रेस्टोरेंट, एस्टेब्लिशमेंट, रिटेल, ट्रेड कैटेगरी के हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। डीयू ने एकेडमिक कैलेंडर 2024 जारी किया जो आधिकारिक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती पर कोविड वॉरियर्स को मिला शांति पुरस्कार, निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शरद कुमार अग्रवाल और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राय के जॉर्ज को पुरस्कार प्रदान किया गया। साउथ कोरिया में बैन होगा कुत्ते का मांस, हर साल 20 लाख कुत्तों को मारा जा रहा है, कसाईयों के नुकसान का हर्जाना सरकार भरेगी। साउथ कोरिया में कुत्ते का मीट खाने पर पाबंदी लगने लगी है। रूलिंग पार्टी के पॉलिसी चीफ यू डोंग ने इसकी घोषणा की है। बंदूकों की रियायत के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। 30,000 लोगों ने मार्च निकाला। इजरायल और हमास के बीच पिछले एक महीने से अधिक समय हो गया जंग जारी है। यूको बैंक की घटना के बाद वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंकों को सलाह दी है, साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने का सुझाव दिया। वित्त मंत्री ने बयान दिया और कहा कि अभी हाल ही में यूके बैंक में हुई घटना से साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी दो बड़ी खुशखबरी, सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल बेहद ही खास रहने वाला। नए साल में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए का तोहफा मिलेगा, तो हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ने वाला, एचआरए भी बढ़ने वाला। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है, राहुल गांधी ने की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार बनते ही ये काम किया जाएगा। अगर दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोटपुतली, भैरोड जिले के कोटपुतली में और जयपुर जिले के शाहपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों को सालाना 12,000 देगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, घोषणा पत्र का हर वादा पूरा किया जाएगा। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है, डीडीए की फेस्टिवल हाउसिंग स्कीम, 32,000 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध। 24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए जल्द ही अपनी फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के तहत 32,000 नवनिर्मित फ्लैटों के लिए संभावित खरीदारों का पंजीकरण शुरू करेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जाने वाले इन फ्लैटों के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर से शुरू होगा। तूफान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दिखाई देगा। भोपाल में दो दिन बादल, 26 को हल्की बारिश, 28 नवंबर के बाद तेज सर्दी भी देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी से उठे मिथिली तूफान और 24-25 नवंबर को उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश के मौसम में भी आने वाले दिनों में बदलाव दिखाई देगा। कार्तिक माह की पहली सवारी सोमवार को निकलेगी। चांदी की पालकी में सवार होकर निकलेंगे बाबा महाकाल। उज्जैन से जुड़ी खबर है, श्री महाकालेश्वर मंदिर से कार्तिक मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की पहली सवारी सोमवार को शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर निकलेगी। मणिपुर के आसमान में दिखी रहस्यमय चीज, इम्फाल एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक विमान रोक दिए गए। मणिपुर के इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु यानी UFO दिखाई दिए जाने से अधिकारियों ने बताया कि इस कारण सामान्य फ्लाइट सर्विस पर प्रभाव पड़ा। पंजाब हरियाणा में किसान भाई आज घेरेंगे डीसी कार्यालय, पराली जलाने पर किए जुर्माने को ना देने का ऐलान, बोले कि इस फरमान को वापस करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की सख्ती के बाद पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों के खिलाफ किसान लामबंद होने की तैयारी में। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने डीसी कार्यालयों को घेरने का ऐलान भी कर दिया। किलोमीटर स्कीम को बढ़ाएगी हरियाणा सरकार, शामिल होंगी 500 बसें। रोडवेज कर्मचारी 26 को विरोध प्रदर्शन करेंगे। जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करने वालों की अब खैर नहीं, अब बैंक और भी ज्यादा सख्ती करेंगे। यानी देश में कई ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें लोन लेने वाला व्यक्ति जानबूझकर अपना लोन नहीं चुकाता, और इसी समस्या से बचने के लिए बैंक अब एक नया रास्ता निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल में भर्ती होंगे 2061 वन मित्र, भर्ती प्रक्रिया 30 तारीख से शुरू हो जाएगी। गुजरात आंगनबाड़ी में 10,400 पद खाली है। डाक विभाग में 1899 पदों पर भर्ती, इस हफ्ते में कई सारी भर्तियां निकली हुई है। रात को जागने की आदत से मोटापा और दिल बीमार, डायबिटीज और हाई बीपी का भी खतरा रहता है। डिनर के बाद मिठाई ना खाएं। बेटे के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी पर बेटी का दावा, माता पिता की संपत्ति में बेटी जन्मजात अधिकारी। वहीं आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार में भी तेजी देखने को मिल रही है। 22 को नरेंद्र मोदी जी और 21 को योगी आदित्यनाथ जी भीलवाड़ा आएंगे। जेल में मिला 500 के नकली नोट बनाने का आइडिया, प्रॉपर्टी डील में खफाने की कोशिश में पकड़े थे 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ के नकली नोट पकड़े जाने के बाद जोधपुर पुलिस की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान के पुष्कर से जुड़ी बड़ी खबर, पुष्कर फेयर में 1300 किलो का भैंसा बेकाबू हो गया। घोड़ों को टक्कर मारी, उछाल कर फेंका और 1 घंटे की मशक्कत के बाद ये शांत हुआ। राजस्थान से जुड़ी खबर, जयपुर डिस्को में उपभोक्ताओं
को राहत देगा। 25 नवंबर से समस्या समाधान शिविर भी लगेंगे। बिलों की त्रुटियों समेत कई तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पेट्रोल के दाम में आएगी बड़ी गिरावट, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा। राजस्थान में भाजपा के जीतते ही असर दिखेगा। राजस्थान में चुनावी रैलियों में पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा, गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा। किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि की राशि भी 12,000 की जाएगी। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। 5 महिलाओं समेत 14 लोगों को अरेस्ट किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी खबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान सागर में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, इन लोगों का बकाया होने पर भी नहीं कटेंगी बिजली, काटे गए कनेक्शन जोड़े जाएंगे, सीएम योगी जी ने सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उनके सामने बिजली कनेक्शन काटने की बात उठी तो नाराजगी जताई गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि बकाया पर बिजली बिल नहीं कटेगा और जो काटे गए उन्हें जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का नियम बनाया और इसके लिए नियमों में भी संशोधन किया गया। लेकिन इसे लेकर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बिल के ऑर्डर आने से पहले जिन सरकारी भर्तियों में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है वहाँ महिलाओं को 35% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर के पहले आया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके बाद चल रहा है उसमें भी 35% आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। 35% आरक्षण का लाभ महिलाएं उन सभी भर्तियों में उठा सकती है जिनका नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर के बाद आया है। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट हम देखते हैं। संपूर्ण भारत का आज 20 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान वेदर न्यूज टुडे में, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात होने का पूर्वानुमान है। केरल लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 2 दिनों के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको YouTube पर दिखाई देता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप Facebook और WhatsApp पर भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।